हेलो क्रिकेटर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका मेडिकल टेस्ट क्रिकेट में कैसे होता है। तो अगर आप भी एक क्रिकेटर हो ना, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर से आता होगा कि आखिर मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, मेडिकल टेस्ट में हमारा क्या क्या चीज़ टेस्ट करते हैं, किस हिसाब से हमारा सिलेक्शन होता है। तो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। देखो, अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, चाहे वो आर्मी हो गया, चाहे वो स्कूल में हो गया, स्कूलिंग में भी जो है आपका मेडिकल लगता है, तो उसी प्रकार से जो है आपका क्रिकेट में भी मेडिकल टेस्ट होता है। तो अगर आप कोई भी ट्रायल देने जा रहे हो ना, तो वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होना ही होना है, वो 100% है। देखो क्या होता है ना, जब 16 का आप ट्रायल देने जाते हो ना, तो वहाँ पर जो है जो सेलेक्टर होते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे मशीनें होती हैं ना, उसके द्वारा जो है आपका बोन टेस्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं बोन टेस्ट, मतलब आपके हड्डियों की जाँच की जाती है, और आपके खासकर जो है आपके रिस्ट के हड्डियों की जांच की जाती है। और आर्मी वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पर आपके प्राइवेट पार्ट और बहुत सारे ऐसे अंगों का चेक किया जाता है, आपके हाइट का चेक किया जाता है। बट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, आपके हाइट से फ़र्क नहीं पड़ता और ना आपके कुछ ऐसे प्राइवेट अंगों का जाँच किया जाता है, बल्कि आपके रिस्ट की हड्डियों की जाँच की जाती है। वहाँ से आपका जो है पता चल जाता है कि आप किस एज के हो, किस एज के लायक आप हो, किस एज में आपको खेलना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि ज़्यादा एज के होते हैं और 16 में खेलते हैं, तो इस वजह से जो है उनको ओवर एज साबित कर दिया जाता है उससे। हालांकि आपको बैन नहीं किया जाता है, लेकिन आप जिस एज के लायक हो, मतलब अगर आपका एज अंडर 19 और 16 खेल रहे हो ना, तो आपको अंडर 19 के लिए ही बोला जाता है कि आप अंडर 19 का ट्रायल दो, ना कि 16 का। तो इसलिए जो है बोन टेस्ट होता है। और आप किसी भी स्टेट में हो, मैं अपने स्टेट का ही बता रहा हूँ, आप किसी भी स्टेट में हो ना, तो वहाँ पर अंडर 16 का ये बोन टेस्ट जरूर से होता है। और हाँ, अंडर 19 में ऐसा नहीं होता है, अंडर 19 में आपका कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसा मेजर टेस्ट नहीं होता है। हालांकि कुछ टेस्ट होता है, लेकिन ये मेजर टेस्ट नहीं होता है। और सेम जो है अंडर 23 में भी होता है, और ऐसे ही जो है आप रणजी में खेलोगे तब भी ऐसे होता है, उसमें कोई मेजर टेस्ट नहीं होता आपका। तो इस तरीके से जो होता है मेडिकल टेस्ट होता है क्रिकेटर्स का। तो क्रिकेटर्स ये जरूर से ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी ट्रायल देने जाओ, कुछ भी करने जाओ ना, तो आप अपने साथ जो है सही प्रूफ लेके जाओ, जिससे अगर आपका मेडिकल टेस्ट होता भी है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, और अच्छे से आप जो है अपने ट्रायल दे सकोगे। तो आई होप आपको एक छोटी सी जानकारी जो है पसंद आई होगी और पता चला होगा कि कैसे मेडिकल टेस्ट होता है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।